नवरात्रि में हवन का महत्व, भगवान का भोजन। हम भगवान का पूजन करते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, इसमें ग्रह मंडल आदि जो हम स्थापित करते हैं, माता भगवती की आराधना करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, इनका पूर्ण होने के पश्चात भगवान का भोग हवन के माध्यम से प्रदान किया जाता है। क्या कुछ सामग्रियाँ यूज करना चाहिए हवन के लिए, क्या उपयोग करना चाहिए? हवन की सामग्री जैसे जौ, तिल, गुगल, पीली सरसों और चंदन, चंदन की लकड़ी, चंदन, लाल चंदन की लकड़ी और नवग्रह की संविधा, आम की लकड़ी, पलाश, खैर और अन्य प्रकार की जो नवग्रह सामग्री। नवरात्रि में हवन की विधि कैसे, क्या हवन करना चाहिए? नवरात्रि में हवन की विधि के लिए स्वच्छ कुंड तैयार करें और यदि हम कुंड का निर्माण कर रहे हैं, वेदी का निर्माण कर रहे हैं, बढ़िया शुद्ध गौ माता के गोबर से लीप करके गौमूत्र गंगा जल छिड़क करके बढ़िया पवित्र करें, उसके पश्चात कुंड का पूर्ण निर्माण होने के पश्चात यज्ञ प्रारंभ करें।